सोचे कि दो पैसा रख देते हैं, मेरा बेटा नहीं है तो सोचे कि रख देंगे, आगे चल के मेरा सहारा होगा। तो क्या सहारा मेरा आगे चल के सहारा होगा, इसीलिए इन्होंने पैसा जो है सहारा इंडिया में डाला, और सहारा इंडिया ने ही इनको बेसहारा कर दिया। देखिए देश के बिजनेसमैन जो है ना, यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधानमंत्री के रहते हुए भी जो है ना कैसे लूट रहे हैं। चौकीदार है ना हमारा देश का प्रधानमंत्री, दिन वोट दिए हम कमल छाप पर, आप किसी पर नहीं दिए, आज हम ही डूब गए। गरीब आदमी डूब गए, आज मोदी जी का वोट दे दे क्या डूब गए। बोला कि राशन मिलेगा, राशन तो गलबा नहीं देता है, अब बोलता मोदी समाचार में कि हम मैं गरीब है, अमीर के हमसे 100 करे। देश के लोगों को गरीबों का एक दर्द दिखाने जा रहा हूं, किस प्रकार से सहारा ने गरीबों का पैसा लूटा है और किन किन गरीबों ने सहारा में पैसा डाला है वो दर्द दिखाने जा रहा हूं। क्या नाम है चाची? पांच बेटी है। पांच बेटी हमको है। तो हम 10-10 रुपया जमा करते थे, 10 साल जमा किए, 10 साल में क्या पूर गया, पढ़े पूर गया था, कहा कि दे देंगे निकाल के। कहां से पैसा लाके जमा की थी? जो हम करते थे क्या चापा कल करते थे, मलिकबा तो 2-4 पैसा चुराते, 10 रुपया देते थे। 9 बेटा बेटी थे हमको। इतना महंगाई में सहारा की बहना होगा शादी में, पैसा जमा हो चाची ब्याह करिएगा, आता था रोज एजेंट मांगने के लिए पैसा दे देते थे। एगो तो भाग गया बजाय अथी कची करते हैं अजय वर्मा भाग गया लेके। कहाँ से पैसा लाई थी आप? हमने जब नो बारी करते थे के जमा करते थे। क्या करे सब डूब गया। कहाँ से लाई थी पैसा जमा कर? कर लाए थे किसी से, कर्जा लेकर जमा किए थे, दुगना हो जाएगा पैसा, 19 में पुर गया अभी तक ले नहीं मिला, हम मांग कर किए थे, हम उसका सूद देना पड़ रहा है। कहाँ से पैसा ला के सहारा में जमा की थी? हम गरीब आदमी, हम लोग ऑटो चलावा थे, अब 3 लड़की है, 1 लड़की विकलांग, लड़का हमारा है नहीं, तो हम तो पैसा जमा विकलांग के नाम से हम जमा किए थे, लेकिन हमारा कोई 2013 में हम खुलवाए फिक्स किए थे 50,000, जो पैसा हमारा 18 में पूरा, जो 22 हो गया अभी तक पैसा हमारा कोई नहीं मिला। कहाँ से पैसा लाई थी आप? मेरे ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाते वही संगर संगर के जमा किए, 2 बेटी 1 बेटा है, बेटी की 11 तारीख की शादी है, कार्ड भी छपा के जमा किए, यहाँ जमा किया होली के पहले, अब बोला कि होली बाद निकल जाएगा। कार्ड छपवाई है, इनके बेटी का शादी है और पति जो है ऑटो चलाते थे, वहाँ से पैसा लाई है। कहाँ से पैसा लाई थी आप? हम सर खेती करते थे बांस घाट गोल घर के पास, नीचे खेती करते थे, खेती गृहस्थी, छोटा एक लड़का था, उसी के साथ से हमको कोई साथ नहीं देते था, एक लड़का था उसको लेकर अपना बदौलत से खेती करते हैं। खेती करके पैसा लाई हैं और सहारा को दी हैं। देखिए देश के बिजनेसमैन जो है ना, यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधानमंत्री के रहते हुए भी जो है ना कैसे लूट रहे हैं। चौकीदार है ना हमारा देश का प्रधानमंत्री, तो चौकीदार साहब आपके रहते हुए कैसे लूटा जा रहा है गरीबों का पैसा? गलत बात है, तब तो हम यही कहेंगे ना चौकीदार चोरों से मिल गया है, तो आपको बुरा लगेगा। अगर चौकीदार चोरों से नहीं मिला है तो इन गरीबों का पैसा वापस किया जाए। कहाँ से पैसा लाई थी? जूठा धो धो के कमा कमा के रखे थे सर, 3 वो बेटी, बड़ा ऑपरेशन से हुआ, सोचे कि 2 पैसा रख देते हैं, मेरा बेटा नहीं है तो सोचे कि रख देंगे, आगे चल के मेरा सहारा होगा। तो क्या सहारा मेरा चल के सहारा होगा, इसीलिए इन्होंने पैसा जो है सहारा इंडिया में डाला और सहारा इंडिया ने ही इनको बेसहारा कर दिया। ये चीजें कहाँ से पैसा लाई थी आप? सिलाई करते थे सर, सिलाई कर करके 3 वो लड़की, हम सोचे कि शादी करने के लिए पैसा जमा करते हैं। इस दर्द को समझिए मोदी जी, आपको तो बेटा बेटी है नहीं तो शायद आप इस दर्द को नहीं समझेंगे, और अगर समझ लेंगे तो उम्मीद है कि कम से कम सहारा इंडिया में जितने भी गरीब पैसा डाले हैं उन लोगों का पैसा दे दिया जाएगा। इसमें से ज़्यादातर गरीब मोदी जी आप ही को वोट दिए होंगे, सोचे होंगे आप चौकीदार हैं। सब दिन वोट दिए हम कमल छाप पर, आप किसी पर नहीं दिए, आज हम ही डूब गए, गरीब आदमी डूब गए, आज मोदी जी का वोट दे दे क्या डूब गए। कसम खा के बोलिए मोदी जी को वोट दिए हैं? हाँ हम दिए हैं। कसम खा के बोलिए। हाँ हम कसम खा के कहते हैं कि मोदी जी के हम वोट दिए हैं। मोदी जी गरीब आदमी है, वोट में हाथ रख के जो है झूठ बोलने वाला नहीं है। मोदी जी के समय में आज रो रहे हैं, आज रो रहे हैं, हम बैठे हम लोग कमल छाप पर देते थे कि मोदी जी जीतेंगे तो देश उत्थान होगा, लेकिन और गरीबी हो गई। बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बचाओ बेटी दाई, जब बचाया तो हमको क्या सुविधा हुआ, कोई सुविधा हुआ कि बेटी हमारे विकलांग के कोई साधन हमारे बेटी के मिला है, कोई साधन ना विकलांग भी। हम लोग 3 लड़की 1 लड़का है सर। मोदी जी
गरीब लोग हैं और इनका खून पसीने का पैसा जो है सहारा वाला लूटा है। कम से कम इनका पैसा मिलना चाहिए और मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर इन सभी का पैसा मिलना चाहिए। बाकी देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ यार, ना कांग्रेस के तरफ खड़े हो ना बीजेपी के तरफ खड़े हो, जिधर हमारा देश और देश के गरीब खड़े हो ना उधर खड़े हो जाओ, देश का भी समस्या का समाधान हो जाएगा और गरीबों का भी हक कोई नहीं मारेगा। लेकिन हम लोगों को इसके लिए प्रयास करना होगा, नहीं तो पार्टी के, जाति के और धर्म के बंधन में इतना हम बंध गए हैं कि देश का जो जमीनी हकीकत है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। और जमीनी हकीकत ये है कि हर दिन गरीब किसी ना किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी ना किसी नेता या किसी ना किसी सिस्टम का शिकार हो रहा है और हर दिन गरीब मर रहा है और जब हक का पैसा मांगने आ रहा है तो उसके ऊपर जो है ये सिस्टम जो है जुल्म कर रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है कि घर भी ना है, किराए के घर में हम लोग रेंटर पर रहते हैं और उस पर भी रेंट में रहते हैं, रेंट में रह के कमा कमा के जमा करे का बेटी का हमें साधन देगा, हम लोग तो मर रहे हैं, विकलांग के मनबुद्धि कौन सहारा करेगा जब मर जाएंगे तो। देश के लोगों से विनती है कि कम से कम इन लोगों का पैसा दे दिया जाए। देश के लोगों से विनती है कि कम से कम एक प्रयास किया जाए। अपने इंडिया टीम को चीयर्स करके ना जाने कितनी बार जिताया है, कितनी बार नेताओं को जिताया है, कितनी बार बड़े बड़े बिजनेसमैन को बनाया है, कितनी बार ना जाने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है देश के लोगों ने। सोशल मीडिया पे कम से कम इन लोगों के कैंपेनिंग में भाग ले और इन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें और एक पोस्ट सहारा में फंसे गरीबों के नाम जरूर करना आप लोग, ताकि इन लोगों का पैसा इन लोगों को मिल सके। गरीब अमीर वो भी बरोबर होगा, गरीब आदमी के राशन नहीं मिलता है, बोला कि राशन मिलेगा, राशन तो अगलबा नहीं देता है, अब बोलता है मोदी समाचार में कि हम मैं गरीब है अमीर के हमसे 100 करे। चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो चाय सभी गरीबों का दर्द समझते हैं, समझता झूठ खोरवा को चीज समझेगा, झूठा धो तो जिंदगी चले जाए, समझ चलते काम होते हैं हमारा जी। आज 10 साल से हाँ हम आ रहे हैं भैया, हमारा मर्दाना नहीं आता है, हमारा बेटा एगो छोटे बेटी दुगो सियाना भी आए कभी, और वो 10 साल से माते हमेशा घुराते, वो देखे बोला है टोटल कागज लेकर आओ, टोटल कागज लेकर आए 10 कागज लेकर आए हाँ कि लेकर आए कागज, तो हम लेकर आए पहले जमा करके दिए, देखिए हम जमा किए सब कागज लाए हैं सर, आज बुलाया था। इन लोगों के पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है, ये लोग देश छोड़ के भागने वाले नहीं है और देश के लोगों का पैसा लेके पासपोर्ट लेके लोग जो है ना देश छोड़ के भाग जाते हैं, जरा सोचिए ये है सच्चाई। कमाने खाने वाला है हमें, हम देखिए हमारा घर द्वार नहीं है जो हमारा लोभ है कि हम पटना में रह सकते हैं, हमारे पैसा पेमेंट के अभाव में इलाज के लिए पैसा के लिए उसको रोगी को लेकर सहारा ऑफिस गए, रीजनल मैनेजर से मिले, रिक्वेस्ट टाइम पर टाइम करते करते वो आदमी अभाव पैसा के अभाव कारण मर गया और पेमेंट आज तक नहीं हुआ। कितने लोग हैं बड़े बड़े नेता लोग जितने भी हैं गरीबों का खाली नाम लेकर शोषण करते हैं। इस देश के यशस्वी नेताओं का भाग्य जो है इस देश का गरीब बनाता है, लेकिन इस देश के गरीबों का हक का पैसा ही इस देश के यशस्वी नेताओं के द्वारा बनाया हुआ कानून जो है लूट लेता है, यह है सच्चाई। तो गरीबों से भी विनती करना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी नेताओं का आप लोग भाग मत बनाएं, जब तक आप उन दलालों का भाग बनाते रहेंगे, वो दलाल जो है बिजनेसमैन के साथ मिलकर जो है आपका पैसा लूटते रहेंगे और चुनाव के समय में ऐसे ही ऐसे बिजनेसमैन के पैसों से चुनाव लड़ते रहेंगे। जय हिंद।